तो मिली नहीं, अब ताले को तोड़ना ही पड़ेगा। अरे अब तो कुंजी ढूंढने गए थे, ये पत्थर क्यों उठा के ले आए? इसके हाथ तो कंकड़ पत्थर ही लगते हैं। ताला तोड़ने के लिए लाया हूँ। मैं तुझे तोड़ दूंगी। क्या बोल रही हो? शब्द हमारे क्रोध अम्मा का है, गुरुवर से भी। गुरुवर का नाम मत लेना, गुरुवर का नाम मत लेना। तो तू ताला तोड़ने का भी नाम मत ले। क्यों? क्योंकि गुरुवर को भी। गुरुवर का नाम मत लेना मैंने कहा ना, पहले से ही बहुत तनाव है, उनका नाम लेने से और तनाव होता है। ताला तो तोड़ना ही पड़ेगा, पता नहीं ये दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे। अच्छा तुम भी भीतर आ गई, नहीं तो। नहीं तो क्या होता? नहीं तो ये सारे लड्डू मुझे अकेले गिनने पड़ते। अच्छा यानी इस बंद कक्ष में जब हम तुम्हारी अनंता तुम्हारे समक्ष अकेले हैं, तुम केवल ये लड्डू गिनोगे? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं भी एक जवान पुरुष हूँ, मुझे ज्ञात है ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये कि तुमसे मात्र लड्डू गिनवाने नहीं, अभी तो तुम्हें खाने के लिए लड्डू भी देना चाहिए। ओहो हमारे भोले साजन, अब हमें तुम्हें सब कुछ सिखाना होगा। देखो ये दरवाजा खुलने से पूर्व। एक क्षण अनंता जी, सर्वप्रथम मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे तैसे मैं लड्डू तो गिन ही लेता, फिर इतने से कार्य के लिए रीजाई ने मुझे यहाँ बंद क्यों कर दिया? मैंने इन्हें अंदर बंद किया है, अब मैं ही इस ताले को तोड़ूंगा। सावधान, अगर इस ताले का बाल भी बाका हुआ तो मैं तुझे बाका कर दूंगी। क्यों रोक रही हो? ऐसा क्या है इस ताले में? परिवार का रहस्य नहीं बता सकते। ओ शारदा महोदया, मैं भी परिवार ही हूँ। आप तो परिवार ही है, तो परिवार का रहस्य। अम्मा परिवार का रहस्य क्या है? ओह शर्मा रही है। ओ अम्मेश्वरी, शर्माती ही रहोगी या कुछ बोलोगे भी? अब इतना ही व्याकुल हो रहे हो तो बता देती हूँ, ये ताला तेरे पिताजी ने विवाह के पश्चात पहली बार उपहार में दिया था। अच्छा, किंतु विवाह के पश्चात पिताजी ने तुम्हें ताला ही क्यों दिया था उपहार में? मुझे क्या ज्ञात, तू खुद ही जाके पूछ ले, यही समीप में ही तो है स्वर्ग में। क्या समीप में है? गुरुवर मुझे सच में स्वर्ग भेज देंगे यदि मैंने ये ताला नहीं तोड़ा तो। ओ अम्मा तोड़ने दो ना, पिताजी थोड़ी ना ऊपर से देखने वाले हैं कि ताला टूटा या नहीं है? मैं किसी को ताला नहीं तोड़ने दूंगी, तू चाहे तो इस द्वार को तोड़ दे। हाँ, और गुरुवर को। अरे कहा ना गुरुवर का नाम मत लेना, ये सब उनका नाम लेने का ही अपशकुन है, उचित है मैं ताला नहीं द्वार ही तोड़ देता हूँ। रामा ये ताला हिल रहा है, इसे जरा से भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। अरे ताला तो हिलेगा ही ना, तनिक भी नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे प्रिय ताले को वस्त्र से ढक दिया है, अब ये ना तो हिलेगा, ना ही इस पे कोई खरोच आएगी, ना ही इसका बाल भी बाका होगा, उचित है? अब से होगा। हे, ना ऊंचा कद और ये चौड़ी छाती ऐसे ही नहीं बनाई है। किधर? क्यों स्वयं की झूठी प्रशंसा कर रहे हो? ताला तोड़ने में ध्यान दो बापू। ठीक है ठीक है, लंबा कद नहीं तो क्या हुआ, थोड़ी छाती भी नहीं है तो क्या हुआ? तू शक्ति बहुत है मुझ में, तुम्हें मेरे बल का अनुमान नहीं है। तुम देखना, एक प्रहार से, मात्र एक प्रहार से मैं इस द्वार को चकना चूर कर दूंगा शारदा। हाँ गोविंद अनंता, परे हट जाओ, मैं आ रहा हूँ। दोनों की आवाज क्यों नहीं आ रही, भीतर क्या कर रहे होंगे वो? अम्मा जो भी कर रहे हो
बस अब उन दोनों को बाहर निकाल के ही रहूंगा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, तोड़ दो दरवाजा बापू। द्वार हिला, द्वार हिला नंदा जी। तो हिलने दो, तुम ध्यान दो। हाँ, गिनती पे। गिनती पर नहीं, हमारे हमारे मुख पर। देखो, जब कोई सुंदर स्त्री समक्ष होती है ना, तो तू इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। उचित है, उचित है। अब से मेरा पूर्ण ध्यान सुंदर स्त्रियों पर ही होगा। ओहो, हमारे भोले साजन, सारी स्त्रियों पर नहीं, केवल हमारे ऊपर रखना। तो किसी काम का नहीं है, तेरा ध्यान सिर्फ खाने पीने में ही है, सुडोल शरीर बनाने में नहीं। वैसे सत्य में आपके बल का ऐसा अनुमान नहीं था हमें। मेरा बल कम नहीं है, ये तो द्वार कुछ अधिक मजबूत है। लगता है इसे तोड़ने के लिए कोई धातु या हथियार लाना पड़ेगा। चलो। पंडित रामकृष्ण, देखो कैसे चकना चोर करते हैं हम इस द्वार को। चल पीछे। हर हर महादेव। गरिमानी, जी गुरुजी, टूटा क्या नहीं टूटा? टूट गया गुरुजी, टूट गया, टूट गया। हमने कहा था ना, हम पराक्रमी पंडित है। चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये द्वार हमारे समक्ष क्या है? बड़े से बड़ा पर्वत भी चकनाचूर हो जाए। गुरुजी, द्वार नहीं टूटा, मात्र लकड़ी टूटी, लकड़ी जो हम लेकर आए थे। ये देखिए, देखिए। क्या हो गया भाई? अब चलिए भाई। जी गुरुजी। चलो, इस बार हम और भी भारी और बड़ा लकड़ा लेकर आएंगे। आज या तो ये द्वार टूटेगा या हम। क्या बात है, गुरुवर तो कार्य से चौपट कुमार चौपटी है और अकड़ से राजकुमार छत्रपति। वैसे दिखा लो जितनी अकड़ दिखानी है, द्वार तो मेरे बापू ही तोड़ेंगे। अब देखता हूँ ये द्वार कैसे टिका रह सकता है मेरे समक्ष। तुमने मुझे ताला नहीं तोड़ने दिया ना? अब देखो, मैं बिना ताला खोले ये द्वार कैसे खोलता हूँ? आरी से लेकर हथौड़ी तक सब है मेरे पास। बालामा, उठा आसना और कल दे श्री गणेश। हाँ। किंतु मैं हथौड़ी उठाऊं अथवा आरी? अरे लामा, कोई भी होता सीख ले कल और प्यालम होता। बापू के कलम और पुस्तक उठाने वाले हाथ अस्त्र उठाने से पूर्व ऐसे ही विचलित होते हैं, इसलिए तो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। क्या समझे? क्या कह रहा है मेरे लाल? बापू, जिसका काम उसी को साझे, किसी की सहायता ले आओ अपने महल से। अली लमा, बात करके और क्या देख ले? वो तेरी सहायता नहीं करेगा। तुन। बापू, मेरे हाथ को देखो और समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं महाराज से सहायता मांगू? उचित है, जिसका कार्य उसी को साझे। महाराज तो सहायता अवश्य भेजेंगे।
इतनी शीघ्र नहीं समझ आएगा आपको घंटी कुमार चाचू, आपके मस्तिष्क की घंटी तनिक विलंब से बजती है। वाह गुरुजी, बिल्कुल सही समय पर बजी है आपके मस्तिष्क की घंटी। इस मोटे लकड़ी के लट्ठे से अवश्य ही वो द्वार टूट फूट जाएगा। देख क्या रहे हैं गुरुजी, शुरू हो जाइए। उठाइए अपने बलशाली हाथों से ये भारी भरकम लट्ठा और निकाल लाइए अपनी गुरु बहना को। तुम हमें आदेश दे रहे हो? अरे मूर्खो, हम तुम्हारे गुरुवर हैं और तुम हमारे। हम गुरुवर हैं और आप हमारे शिष्य। क्या? नहीं नहीं, आप गुरुवर हैं और हमें आपके शिष्य। तो सुनो गुरुवर की और साथ दो इसे उठाने में हमारा। चलो जी गुरुजी, जी आओ। हाँ पकड़ो, चलिए उठाओ। भगवान, गुरुजी बस, अब यदि लकड़ी के लट्ठे को हमने और उठाने का प्रयास किया तो ये ऊपर वाला हमें ऊपर ही उठा लेगा। आपको हमारे कोमल प्यारे शिष्य की आवश्यकता नहीं है गुरुजी, आपको बलशाली सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। हम समझते हैं, परंतु सैनिक तुम्हारा हाथ से मिलेंगे। चलो महाराज के पास। आए, पता नहीं इस समय गोविंद अनंता क्या कर रहे होंगे, पक्का भूखे प्यासे बैठे होंगे। आए, बेचारी अनंता लक्ष्मी कक्ष में बंद होगी भूखी प्यासी। शीघ्र अति शीघ्र महाराज के पास पहुंचकर सहायता मांग लेता हूँ। शीघ्र अति शीघ्र राजमहल में पहुंचकर महाराज से सहायता लेनी होगी। आ जाओ। अब फुट, पहले आंध्र प्रदेश का शीरा खाया, फिर हम मराठवाड़ा गए, वहां की पूरन पोड़ी चटे, और अब हम प्रस्थान करेंगे राष्ट्र की ओर, जलेबी खाने हेतु। प्रणाम महाराज। मित्र रामकृष्ण, अब पुनः आ गए यहां पर। आंध्र प्रदेश में थे तब भी आपने हस्तक्षेप किया था, और अब जब हम सौराष्ट्र की जलेबी खा रहे हैं तो आपसे हमारा सुख देखा नहीं जाता है क्या? सौराष्ट्र में? नहीं नहीं महाराज, हम तो विजयनगर में ही हैं। नहीं, हम सौराष्ट्र में हैं, यहाँ पर सौराष्ट्र में हैं, और जलेबी खाने का प्रयास कर रहे थे। अभिलाषी है मिठाई खाने के, और आप है कि रामकृष्ण, बात को समझने का प्रयास कीजिए ना। कभी कभी अवसर मिलता है महारानी तिरुमलम्मा के हाथ का व्यंजन छोड़कर महारानी चिन्ना देवी के बनाए हुए व्यंजनों को चखने का, और आप है कि क्षमा करें महाराज, मैं आपके रसास्वादन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। तो फिर किस प्रयोजन से आए यहाँ पर आप? सहायता चाहिए महाराज। कैसी सहायता? द्वार तोड़ना है। हमारे कक्ष का द्वार तोड़ेंगे आप? अरे नहीं नहीं, मैं आपके कक्ष का द्वार क्यों तोड़ूंगा, मैं हमारे भंडार गृह का द्वार तोड़ना चाहता हूँ। तो आप चाहते हैं कि हम ये भोजन छोड़कर आपके भंडार गृह का द्वार तोड़ने के लिए आए आपके साथ? नहीं नहीं महाराज, मेरा वो तात्पर्य नहीं था, मुझे केवल दो चार बलशाली सैनिक दे दीजिए द्वार तोड़ने के लिए। वो क्या है कि मेरा बेचारा साला भोंदू गोविंद फंसा पड़ा है कब से। फंसे तो हम हैं यहाँ पर पंडित रामकृष्ण, इतने कार्य शेष हैं, अभी राजस्थान जाना है, उसके बाद मालवा जाना है, बंगाल जाना है, अवध बाकी है, सब कुछ शेष है, और आप है कि महाराज आप दे दीजिए ना जो भी पंडित रामकृष्ण को चाहिए। उचित है पंडित रामकृष्ण, अब दो चार दस जितने भी सिपाही चाहिए अब जाइए ले जाइए उन्हें। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, राजस्थान के बाद मथुरा जाना मत भूलेगा, वहाँ के पेड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। कहाँ के पेड़े? मथुरा के। उचित। महारानी चिन्ना देवी, मथुरा जाने का प्रयोजन है? जी महाराज। अच्छा। हम
तुम्हारे परिवार की लाज पंडित रामकृष्ण के भंडार कक्ष में बंद है, वो भी उसी के साथ। हमारा से ऐसे सैनिक लेकर जाएंगे, पहले तो उनसे द्वार तोड़वाएंगे, उसके पश्चात पंडित रामकृष्ण की हड्डियां। ऐसे शक्तिशाली सैनिक चुनकर ले जाऊंगा जो द्वार भी तोड़ दे और गुरुवर के प्रकोप से मुझे बचा भी ले। महाराज आइए, महाराज अब राजस्थान का चूरमा चखते हैं। अवश्य। अब हम आ पहुंचे हैं राजस्थान। राजस्थान का चूरमा। प्रणाम महाराज। महाराज नहीं है यहाँ पे। महाराज यहाँ नहीं है? हाँ वो राजस्थान गए हैं चूरमा खाने, जब वो आ जाएंगे तब आ जाइएगा। चलो धनी मनी, महाराज नहीं है, उनके आने के पश्चात आते हैं। गुरु जी देखिए ना, महाराज तो समक्ष ही खड़े हैं किंतु कहने की राजस्थान में। गुरु जी आज ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज महाराज आप तो यही हैं? गुरुवर हम यहाँ पर नहीं हैं, हम राजस्थान में है चूरमा खा रहे, इसके पश्चात हम इंद्रप्रस्थ जाने वाले हैं लड्डू खाने हेतु। हाँ गुरुवर, महाराज अवश्य उपस्थित हैं यहाँ, परंतु यहाँ नहीं है। नहीं है? आप दोनों ये क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुवर आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं? हाँ महाराज, हम वो सहायता लेने के लिए आए हैं। सहायता अर्थात? आप ही द्वार तोड़ना तो नहीं चाहते? नहीं। आपको कैसे ज्ञात हुआ महाराज? आप ज्ञानी हैं, दानी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके स्वामी हैं। बस 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 हम समझ गए, आज सभी को द्वार तोड़वाने का बड़ा शौक है। सभी को? सभी को अर्थात? आपको भी द्वार ही तोड़वाना है ना गुरुवर? हाँ महाराज, वो बुलाते ऐसे ही पंडित रामकृष्ण बंद पड़े हैं द्वार में। पंडित रामकृष्ण बंद कैसे हो सकते हैं, कुछ क्षण पहले वो यहाँ पर थे, हमें व्यतीत कर रहे थे। अभी अभी गए हैं अपने निवास पर कुछ सिपाहियों को लेकर द्वार तोड़ने हेतु। जाइए आप ही वहां पर जाइए और द्वार तोड़वाइए अपने। आइए महाराज अब हम इंद्रप्रस्थ के लड्डू चखते हैं। अब क्या होगा गुरु जी? महाराज यही है, बोल रहे हैं नहीं, पंडित रामकृष्ण नहीं है, बोल रहे हैं यही थे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है मुझे। चलो चलकर देखते हैं। अम्मा तुम देखना, इस बार तो ये द्वार टूट कर ही रहेगा। महाराज सत्य का, यहाँ तो सच में सैनिक है, परंतु वो तो अनंता के साथ ही बाहर निकलेगा है ना गुरुजी? द्वार टूटते ही, उसके बाहर निकलते ही हम देख लेंगे उसे। उसके बाहर निकलते ही मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, प्रेम प्रेम सब भूल जाएगा वो। टांगे क्या, हाथ पैर तोड़ देंगे, जीवन भर प्रेम का नाम नहीं लेगा। गुरुवर आप? पंडित रामकृष्ण आप यहाँ? तो भीतर कौन है हमारी बहन के साथ? क्षमा करे गुरुवर, वो मैं तो गोविंद को बंद कर रहा था, पता नहीं अनंता कहाँ से भीतर बंद हो गई। क्या कहा? गोविंद? तो गोविंद और अनंता मैं खिला था ना?